भारतीय राजनीति को 2012 में एक नया नेता मिला जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब इनका भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ तब इन्होंने कहा था कि हम भारतीय राजनीति में विकल्प के तौर पर आए हैं, हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और चरित्रवान सरकार देंगे। लेकिन उनकी ईमानदार छवि की हवा तो पहले ही निकल चुकी है और उनके दो सबसे ईमानदार नेता सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब उनके दूसरे दावे पर भी नजर डाली जाए तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आपको गंदी और दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने वाली राजनीति से भी मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आज की समकालीन राजनीति पर आप ध्यान देते हैं तो केजरीवाल ही सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करते दिखते हैं। यानी जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था वो सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नीचे रौंद दिए गए। जैसे राजनीति में आम आदमी पार्टी पुरानी हुई वैसे वैसे केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी और केजरीवाल के मन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनने की चाहत हिचकोले खाने लगी, जिस पर सवार होकर केजरीवाल उलझुल मुद्दे उठाने लगे और इस उम्मीद में कि वो विपक्ष के बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन विपक्ष के नेता ही उनके मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं। इस बार हवा निकाली है एनसीपी चीफ शरद पवार ने। क्या कुछ कहा शरद पवार ने, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर खड़ा हुआ विवाद सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी की ओर से तकरीबन हर दिन ही पीएम डिग्री विवाद पर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है। इन सबके बीच विपक्ष के बड़े नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी। शरद पवार ने कहा कि यह महज एक सियासी मुद्दा है। साथ ही पवार ने गौतम अडानी मुद्दे पर अपनी अलग राय रख कर पहले ही विपक्षी दलों के एक बड़े मामले को दरकिनार कर दिया था। वहीं अब पीएम डिग्री विवाद पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा ये नहीं कि किसकी डिग्री क्या है, बल्कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, जातपात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले पवार ने अडानी मुद्दे को भी फिजूल बताया था। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। पवार के बयान से आम आदमी पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि शरद पवार का बयान निजी बयान हो सकता है, हम अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं, लेकिन शरद पवार के बयान से हम सब सहमत हो ये जरूरी नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। बीते महीने में आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए वाले पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए गए थे। अगर केजरीवाल को विपक्ष की धुरी बनना है तो उन्हें व्यवहारिक मुद्दे उठाने होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस में खूब हायतौबा मची है, लेकिन कांग्रेस को उनके सहयोगी दलों का समर्थन भी नहीं मिला। जनता का समर्थन तो दूर की बात है। राहुल की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा खूब उछाला। अडानी के बहाने कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश की। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी को बीजेपी ने तो जवाब दिया ही था, साथ ही अब पवार फैमिली ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दे दिया। चाचा और भतीजे की जोड़ी ने कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य दलों की टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ा दी है। चाचा यानी एनसीपी चीफ शरद पवार और भतीजे यानी महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार। शरद पवार ने कहा कि अडानी के मसले पर जेपीसी गठित करने की कांग्रेस और अन्य कुछ विपक्षी दलों की मांग को बेतुका है। वहीं अजीत पवार ने ईवीएम को सही ठहरा दिया। चाचा और भतीजे की इस डबल गुगली के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शरद पवार की एनसीपी अब बीजेपी के साथ अपना भविष्य देख रही है। शरद पवार ने न्यूज चैनल एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए अडानी का मुद्दा उठाना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अडानी के मुद्दे पर आम जनता के साथ लाना मुश्किल होगा, बल्कि किसान, बेरोजगार जैसे मुद्दे ज्यादा कारगर रहेंगे। शरद पवार ने जिस तरह अडानी मसले पर कांग्रेस के खिलाफ बात कही उससे कांग्रेस के तमाम नेता नाराज हो गए हैं। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने तो शरद पवार और गौतम अडानी के साथ बैठी फोटो ट्विटर पर साझा कर निशाना साधा। जब बीजेपी ने पूछा कि क्या अलका का ये बयान कांग्रेस का है तो लांबा ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। वहीं कांग्रेस नेता द्वारा गौतम अडानी और शरद पवार की तस्वीर शेयर कर निशाना साधे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ तस्वीर तो नहीं ली ना। अजीत पवार ने कहा कि अडानी को तुरंत आरोपी कहना सही नहीं है। अडानी के सवाल पर अजीत पवार भड़क गए हैं और कहा कि किसी उद्योगपति को आरोपियों के पिंजरे में डालना सही नहीं। उधर शरद पवार के अडानी पर दिए गए बयान की चर्चा हो रही है कि अजीत पवार ने ईवीएम का बम विपक्ष पर फोड़ दिया। अजीत पवार ने कहा कि वो निजी तौर पर ईवीएम को सही मानते हैं। उनका कहना था कि ईवीएम के जरिए ही तमाम राज्यों में गैर बीजेपी विपक्ष की सरकारें बनी हैं। ऐसे में ईवीएम को गलत कहना ठीक नहीं है। तो देखा आपने कैसे पवार चाचा भतीजा ने कांग्रेस को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी।
हमारे देश में कहावत है कि घमंड ना ही सरस्वती का करना चाहिए, ना लक्ष्मी का और ना ही शक्ति का, क्योंकि ये तीनों ही चीजें तात्कालिक हैं। ये सब आपके पास हमेशा नहीं रहती, इसीलिए जिसने किया इसका घमंड उसका विनाश निश्चित है। त्रेता में रावण का भी यही हाल हुआ था, क्योंकि रावण को भी शक्ति, शौर्य और ज्ञान का बेहद घमंड था और उसके बाद सही गलत समझने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी और अंत में भगवान राम ने उसका वध कर दुनिया को उसके पाप से मुक्ति दिलाई थी। वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक तरफ खड़े हैं भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना करने वाले नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं भगवान राम के मंदिर का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हैं। शायद उनको अब भी अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा घमंड है, लेकिन उनके इस घमंड को कम करने का काम किया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। क्या कुछ कहा वीके सक्सेना ने, चलिए आपको बताते हैं। डिग्री विवाद में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को अपनी डिग्री का गुमान नहीं होना चाहिए। एलजी ने केजरीवाल की ओर से पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया में ये सारी बातें कही। एलजी वीके सक्सेना ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयानों का जिक्र करते हुए पलटवार किया। यमुना सफाई के लिए महत्वपूर्ण नजफगढ़ नाले की सफाई का जायजा लेने पहुंचे एलजी से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान सुना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले विधानसभा में दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी को अपनी डिग्री का गुमान नहीं होना चाहिए। एलजी ने कहा कि डिग्रियां तो पढ़ाई पर खर्च की रसीदें होती हैं। उन्होंने आप संयोजक को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। उन्होंने ये कहकर भी तंज कसा कि आईआईटी की डिग्री के बावजूद कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं। केजरीवाल को समझना होगा कि सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है, ना कि किताबी। वहीं एलजी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग गई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि एलजी साहब का यह कहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है। आज दिल्ली के पास आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि काम का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला नाला घूम रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रेस रिलीज जारी करके ऐसा दर्शा रहे हैं कि ये काम उन्होंने कराया है। कांग्रेस ने एक समय में देश को दशा और दिशा दी, आज वही कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, पुत्र मोह और परिवारवाद, जिसकी वजह से कांग्रेस आज भारत की राजनीति में न 3 में है और न 13 में है। कांग्रेस आज पूरी तरह से पथ भ्रमित दिखता है। कांग्रेस की दशा ऐसी है कि उनके खुद का दामन तो दागदार है, लेकिन दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में वो बाज नहीं आते हैं। कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी और गांधी परिवार के युवराज आजकल अडानी मुद्दे के झंडा बुलंद किए हुए हैं, जिसको न विपक्ष का साथ मिल रहा है और न जनता का, और अब तो उनके पुराने साथी भी उनकी पोल खोलने लगे हैं। गुलाम नबी आजाद, जिनका कांग्रेस में 5 दशक का सफर रहा है, अब उन्होंने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस तरह से व्यापारियों से विदेश में जाकर मिलते हैं, क्या आरोप लगाया है गुलाम नबी आजाद और फिर कैसे बीजेपी ने बढ़ा दी है कांग्रेस की मुश्किलें, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस के 5 दशकों तक नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर यह नया आरोप जड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है, जिसमें उनके सहित कई लोगों पर अडानी से रिश्तों पर सवाल उठाया गया था। गुलाम नबी आजाद ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी समेत पूरे परिवार के कारोबारियों से रिश्ते हैं। मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं, जिसमें राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भी लोगों से मिलते हैं, इनमें अवांछित कारोबारी भी शामिल है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत में तो अब कांग्रेस बची ही नहीं है, केवल कुछ लोग बचे हुए हैं। राहुल गांधी समेत मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व का अब कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनका कोई प्रभाव नहीं है। जब वो गुजरात में सूरत कोट गए तो वहाँ कोई युवा और किसान उनके साथ नहीं दिखा। वहीं गुलाम नबी आजाद के आरोपों को रेखांकित करते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला रविशंकर प्रसाद ने। गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल के विदेशी दौरों पर अनवांटेड उद्योगपति से मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने इसके पीछे के एजेंडे और उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने की मांग की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने एक वीडियो क्लिप भी प्ले की।
साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी भारत को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस के मुद्दे इसलिए भी जनता के मन में घर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जनता को कांग्रेस की ही ईमानदारी और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और निष्ठा पर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।